तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पेट दर्द में दी जाने वाली सबसे अच्छी इंजेक्शंस के बारे में। दोस्तों, यहां पे पेट दर्द होने पर किन किन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी इंजेक्शन में से तकरीबन सभी इंजेक्शन की जानकारी जो है वो इस वीडियो में दी जाएगी। बिल्कुल ही आसान भाषा में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आसानी से समझ सकता है। उसके साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उसके साथ साथ वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी जाएगी उन सभी दवाइयों में से किसी भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी नुकसान आपको पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम जानते हैं पेट दर्द में कौन कौन से इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारा ह्यूमन स्टमक जो होता है, पेट होता है, उसके कौन कौन से पार्ट में दर्द जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं अपर राइट क्वाड्रेंट, ठीक है। अपर राइट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ पे होता है, तो ये देखिए हमारे स्टमक में अपर राइट क्वाड्रेंट जो है वो दोस्तों यहाँ पर होता है। इसी से कुछ एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो देखिए लिवर पेन, गॉल ब्लैडर पेन, बाइल डक्ट्स पेन, किडनी पेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, जो कि अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट हमारा ये हो गया हमारे स्टमक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो स्टमक पेन, पैनक्रीज पेन, स्प्लीन पेन, किडनी पेन, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पे लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन या फिर से कह सकते हो लोअर एब्डोमिनल, जिसमें हमारा आता है अगर हम स्टमक के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए यहाँ पे लोअर एब्डोमेन हमारा इतना आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लोअर एब्डोमेन का हिस्सा भाग, फिर ये भी हो गया हमारा लोअर एब्डोमेन, फिर ये भी हो गया हमारा लोअर एब्डोमेन, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या आता है, तो इसमें हमारा आता है इंटेस्टाइन पेन, ठीक है, ओवरसीज, उसके बाद यूरिटर्स, यूट्रस, तो ये सभी पेन होते हैं। इन सभी में पेन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला हम जानते हैं लोअर राइट क्वाड्रेंट, ठीक है। लोअर राइट क्वाड्रेंट कहने का मतलब कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, या अपेंडिक्स में पेन, तो ये देखिए अपेंडिक्स में पेन आपको हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट कहाँ होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी के स्टमक में, तो वो यहाँ पर होता है लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। और इसमें क्या हमारा आता है, डाइवर्टिकुलोसिस एंड डाइवर्टिकुलाइटिस ऑफ द कोलन, ठीक है, तो उसमें ये हमारा आता है। तो दोस्तों इससे आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे हमारे जो ह्यूमन स्टमक होता है, ह्यूमन मानव का पेट होता है, उसके कौन से हिस्से में कहाँ कहाँ पर हमें दर्द जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो फाइनली अब हम जानते हैं यहाँ पे काउस के बारे में, मतलब कि किन किन कारण की वजह से हमारे को पेट दर्द जो है वो हो सकता है, स्टमक पेन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। तो काउस हम जान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो देखो इनडाइजेशन, इनडाइजेशन कहने का मतलब कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो यहाँ पर हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वो स्टमक पेन हो सकता है। उसके बाद डायरिया, डायरिया कहने का मतलब कि दस्त या फिर से पेचिस, दस्त या पेचिस वाले कंडीशन में भी हमारे को स्टमक पेन हो जाती है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज बनना, हमारे पेट में स्टमक में ज़्यादा कब्जियत हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको पेट दर्द हो सकता है। उसके बाद आता है फूड पॉइजनिंग, आप कुछ अनवांटेड फूड खा ली हो, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, तो उसमें भी पेट दर्द आपको हो सकता है। फूड एलर्जीज, यहाँ पर एलर्जिकल रिएक्शन हो जाती है फूड के बीच में,
ठीक है, रिएक्शन कर जाती है, तो देन यहाँ पे उस कंडीशन में भी आपको पेट दर्द हो सकता है। उसके बाद गैस, ठीक है, गैस, एसिडिटी, HCl की प्रोडक्शन होना स्टमक में, ठीक है, तो उसमें भी हमारे को जो है वो पेट दर्द हो सकती है। तो हमने यहाँ पे जाना कि हमारे स्टमक में, पेट में जो है वो कौन कौन से स्थान पर यहाँ पे हमारे को जो है वो दर्द देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अपर राइट क्वाड्रेंट हो गया, अपर राइट क्वाड्रेंट में कुछ पॉइंट्स है, उसके बाद अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया, लोअर एब्डोमेन हो गया, लोअर राइट क्वाड्रेंट हो गया, उसके बाद लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद हमने कारण भी जान लिया कि किन किन कारण की वजह से हमारे को जो है वो पेट दर्द होती है, जैसे कि इनडाइजेशन, खाना ना पच पाना, डायरिया, दस्त या फिर से पेचिस में, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत होना, फूड पॉइजनिंग, फूड का पॉइजनिंग होना, उसके बाद एलर्जिक, फूड एलर्जी हो जाना, ठीक है, गैस, एसिडिटी, HCl का प्रोडक्शन होना, तो इन सभी कारण की वजह से हमारे को जो है वो पेट दर्द होती है। अब चलिए हम फाइनली बात करते हैं कि कौन कौन सी इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है पेट दर्द में, जो कि ये काफ़ी हेल्पफुल इंजेक्शन सब होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन आता है हमारा दोस्तों डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, ठीक है, जो कि मैप्टल स्पास नाम से ये मार्केट में आता है। वहीं पे आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं IP लिखा हुआ है। IP का मतलब क्या होता है, आपने मेडिसिन के पैकेजिंग पे अक्सर देखा होगा IP, BP, ठीक है, USP, तो यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए ताकि आपसे कोई भी पूछे तो आप उसे क्लियर वे में बता पाओ कि हाँ भैया इसका ये मतलब होता है। तो मैं आपको बता दूँ, IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, वहीं पर BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्तों यहां पे हर वर्ड में आ रहा है फार्माकोपिया क्या होता है, तो देखिए फार्माकोपिया एक बुक होती है और उसी के प्रोसीजर पे ये मेडिसिंस जो है, इंजेक्शंस जो है वो बनी हुई होती है, तो उसे ही हम लोग आईपी बीपी या फिर से यूएसपी के नाम से जानते हैं, या फिर से कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि आईपी है लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर बना हुआ है, बीपी यूएसपी उसी के प्रोसीजर पर जो है वो बनी हुई है। वहीं पर आपको इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ये भी लिखा हुआ रहेगा कि आपको इस इंजेक्शन को IM देना है या फिर से IV देना है, जैसे कि यहाँ पे मैप्टल स्पास मतलब कि डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन में लिखा हुआ है। ये डाइसाइक्लोमाइन हमारा क्या हो गया, तो डाइसाइक्लोमाइन हमारा ये इसका साल्ट नेम हो गया। इसमें ड्रग कौन सा है, तो डाइसाइक्लोमाइन है, और ये मार्केट में किस नाम से आता है, तो मैप्टल स्पास नाम से आता है, ठीक है। वहीं पर IM और IV की अभी मैंने बात की, तो IM का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है वो एक एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन होता है। एंटी स्पास्मोडिक कहने का मतलब कि वही स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या पेट दर्द, ठीक है, और IM लिखा हुआ है मतलब कि हम इसे IM देते हैं। IM का मतलब दोस्तों होता है, देखिए I का मतलब हो गया इंट्रा, ठीक है, और M का मतलब हो गया मैस्कुलर, ठीक है, मतलब कि मांसपेशियों में या फिर से मांसपेशियों के अंदर हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं या फिर से देते हैं। वहीं पे आपने इंजेक्शन के पैकेजिंग पे IV भी देखा होगा, ठीक है, तो IV का मतलब क्या होता है, तो देखिए I का मतलब हो गया इंट्रा, इंट्रा का मतलब हो गया अंदर, ठीक है, और V का मतलब हो गया वेंस, ठीक है, वेंस का मतलब हो गया नस, मतलब कि नस के अंदर या फिर से नस में हम उसे देते हैं या फिर से देना चाहिए। अगर कहीं पर भी IM लिखा है तो समझ जाना कि हमें उसे जो है वो मांसपेशियों में देना है, और IV लिखा है तो हमें उसे जो है वो नस में देना है। ऐसा भी होता है कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर IM IV दोनों लिखा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आप उसे मांसपेशियों में भी दे सकते हो या फिर से नस में भी आप उस इंजेक्शन को दे सकते हो। अब चलिए हम जानते हैं यहाँ पे यूज़ के बारे में, डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किन किन बीमारियों में करते हैं या कब किया जाता है, तो क्रैम्स का मतलब हो गया मरोड़, पेट में अगर मरोड़ हो रही हो उसके वजह से दर्द हो रहा है तो डाइसाइक्लोमाइन का हम यूज़ करते हैं। पेन, पेट दर्द होना, उसके बाद ब्लॉटिंग, उसके बाद डिसकम्फर्ट मतलब कि कंफर्टेबल फील नहीं होना, कब्जियत टाइप का फील होना या फिर से मरोड़ होना, पेट में पेन होना, हल्के मुल्के दर्द होना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
होपफुली दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो जो है वो समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलती है। और दोस्तों अगर आपके कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप यहाँ पर लंबे समय तक याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में नोट डाउन जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमारा अगला इंजेक्शन जो आता है वो दोस्तों डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन आता है, जो कि ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है मार्केट में। ये जो है वो अलग अलग नाम से आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बट इसमें जो हमारा मेडिसिन होता है वो क्या होता है, तो डाइक्लोफिनेक होता है। डाइक्लोफिनेक हमारा क्या हो गया, साल्ट नेम हो गया, ड्रग हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में ये देखिए रेनोफ्लैम एक्वा नाम से आता है, ठीक है। ये भी आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। अब चलिए हम जानते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम कौन कौन सी बीमारी में करते हैं। तो एब्डोमिनल पेन मतलब कि पेट दर्द, बॉडी पेन हमारे बॉडी में दर्द हो रही हो, मसल पेन हो गया या फिर से ज्वाइंट पेन हो गया, ठीक है, हड्डियों में दर्द हो गया, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ज्वाइंट पेन यहाँ पे आगे मैंने मेंशन कर ही रखा है। तो ये सभी दर्द में, पेन में जो है वो डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी सारी इंजेक्शन्स की जानकारी दी जा रही है उन सभी इंजेक्शन्स में से किसी भी इंजेक्शन्स का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ऑफ कोर्स उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अब चलिए हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला इंजेक्शन जो आता है वो यहाँ पर ड्रोटावेरिन इंजेक्शन आता है, ठीक है। मार्केट में ये आप लोगों को ड्रोटिन नाम से भी मिल जाएगा, फिर से ड्रॉटवेल नाम से भी मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। वहीं पे इसका इस्तेमाल जो है वो एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, फिर से मेंस्ट्रुअल पेन, उसके बाद स्टोन पेन, मतलब कि मानिए किसी भी व्यक्ति को पत्थर हो गई है, ठीक है, पत्थर हो गई है पेशाब के रास्ते में, तो उसमें दर्द होगी, तो ऑफ कोर्स किडनी स्टोन पेन हो गया, किडनी में पत्थर हो गई हो, तो यहाँ पे यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होना, दर्द होना, तो उस कंडीशन में ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। मेंस्ट्रुअल पेन, मेंस्ट्रुअल पेन कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे किसी भी महिला को, ठीक है, मतलब कि पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी इंजेक्शन पे अगर लिखा होता है आईएम और आईवी, तब उस कंडीशन में हम उसे किस में यूज़ करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर आईएम यूज़ कर सकते हैं, आईवी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल वर्ड तो नहीं है कि हाँ भैया सिर्फ आईएम ही करना है आपको या फिर से आईवी ही करना है। जब यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, आईएम आईवी दोनों लिखा हुआ है, तो आप यहां पे मांसपेशियों में भी कर सकते हैं या फिर से नस में भी इस इंजेक्शन को जो है वो दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पे अगला इंजेक्शन जो आता है वो हमारा सुपर स्पास इंजेक्शन आता है, जिसमें हमारा क्या होता है, तो डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है और डाइक्लोफिनेक सोडियम हमारा जो है वो इसमें होता है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके यूज के बारे में कि इसका यूज कहां किया जाता है, तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है फोर इंट्रामेस्कुलर यूज ओनली, ठीक है। इंट्रामेस्कुलर मतलब आईएम, मतलब कि मांसपेशियों में सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, इसे हम आईवी में बिल्कुल भी नहीं दे सकते, मतलब कि नस में इसे हम नहीं देना है। उसके बाद हम चलिए जानते हैं इसके यूज के बारे में, इस्तेमाल के बारे में। तो क्रैम्प्स, मरोड़, मरोड़ के कारण पेट दर्द होना, पेन मतलब कि दर्द होना, उसके बाद ब्लॉटिंग, फिर से डिसकंफर्ट, डिसकंफर्ट कहने का मतलब कि पेट में कॉन्स्टिपेशन होना या फिर से कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्जियत हो गया, क्रैम्प्स हो गया, मरोड़ हो गया, पेट दर्द होना, ठीक है, एब्डोमिनल एक्टिविटी कह सकते हो, तो उस कंडीशन में जो है वो हम सुपर स्पास इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये भी काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, जो कि हमारा आता है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंजेक्शन, जो कि हॉवेल 20 नाम से आपको मिल जाएगी। इसे हम आईवी आईएम देते हैं। वहीं पे इसका इस्तेमाल सीवियर पेन, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, फिर से यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है डिलीवरी के टाइम में, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, ब्लॉटिंग, सूजन हो जाना, ठीक है,
तो उस कंडीशन में इस हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए हम जानते हैं यहाँ पे स्टमक पेन ड्यू टू गैस, मतलब कि गैस एसिडिटी, HCl की प्रोडक्शन जब हमारे स्टमक में ज़्यादा होती है तो क्या काउस करता है हमारा, यहाँ पर गैस काउस करता है, ठीक है, गैस बनता है। देन फिर उस वजह से क्या होता है, हमारे को पेट दर्द भी हो सकता है। अगर पेट दर्द यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को हो रही है गैस की वजह से, तो कौन से इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे रैनिटिडिन, ठीक है, रैनिटिडिन जो कि आप लोगों को 25 mg में आता है, और वहीं पे मैं आपको थोड़ा सा जूम कर आईपी लिखा हुआ है, सॉरी बीपी लिखा हुआ है, तो बीपी का मतलब हो गया ब्रिटिश फार्माकोपिया। बाकी पेट दर्द के लिए जो है वो अगला इंजेक्शन जो आता है वो काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, पेंटप इंजेक्शन, ठीक है, मार्केट में ये पेंटप नाम से आता है, और इसमें क्या होता है तो पेंटोप्राजोल होता है, जोल अंत में लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर नाम से पहचानने वाली वीडियो में बता रखा है कि कौन सा मेडिसिन का क्या उपयोग होता है, ठीक है, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको दवाइयों की काफ़ी सारी जानकारी जो है वो हो जाएगी, और आप यहां पर दवा का नाम देखकर ही पहचान जाओगे कि कौन सा दवा किस काम में आता है। तो इस वीडियो के बाद आप उसे वॉच कर सकते हो, वीडियो की लिंक आई बटन में दी गई है। तो इसमें ड्रग हमारा क्या होता है तो पेंटोप्राजोल होता है, और ये बीपी लिखा हुआ है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, वहीं पर यह 40 mg आता है, ठीक है, और पेंटप 40 नाम से कह सकते हो कि मार्केट में ये जो है वो आता है। इसका यूज हम किस में करते हैं तो आईवी यूज ओनली, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नस में किया जाता है, और कब करते हैं तो यहां पे गैस की वजह से हमारे को अगर पेट दर्द हो रही है तब करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं यहां पे कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में भी। मानिए कि जितने भी सारे इंजेक्शन मैंने आपको बताए, ठीक है, उन सभी इंजेक्शन का अगर आप यूज करते हैं, किसी भी इंजेक्शन का आप यूज करते हैं दर्द को कम करने के लिए, तो ऑफकोर्स यहां पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होगा ही ना, समझ रहे हैं ना आप, जो भी अंग्रेजी दवा होती है उन सभी दवाइयों में से ज्यादातर दवाइयों की तो साइड इफेक्ट्स होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टमक पेन या फिर से बोन पेन हो गया, मेंस्ट्रुअल पेन हो गया, ठीक है, गैस से रिलेटेड पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है, कब्जियत, तो इन कंडीशन में अगर दर्द कर रहा है हमारा बॉडी पार्ट्स या फिर से पेट दर्द कर रहा है और हम इंजेक्शंस का या फिर से मेडिसिन्स का उपयोग करते हैं तो उन मेडिसिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी तो होगा, तो वो क्या हमें देखने के लिए मिल सकती है, तो नौजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, नर्वसनेस, मतलब कि नर्वस टाइप का आपको फील होना, डिजीनेस, चक्कर आना, डिक्रीज एप्टीटाइट, मतलब कि आपकी जो भूख लगने की क्षमता है वो कम हो जाना, ठीक है। तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है ये इंजेक्शन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो, मतलब कि ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स में से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकती है, कोई दो तीन भी देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का पेट दर्द कर रहा है या दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इन सभी इंजेक्शंस में से किसी भी इंजेक्शंस का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है अकॉर्डिंग टू कि वो व्यक्ति का दर्द कहाँ पर कर रहा है, ठीक है, और किन प्रॉब्लम्स की वजह से दर्द कर रहा है, तो ये सभी इंजेक्शंस जो है वो दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। उसके साथ साथ जितनी भी सारी इंजेक्शंस की जानकारी इस वीडियो में दी गई है उन सभी इंजेक्शंस में से किसी भी इंजेक्शंस का उपयोग खुद से बिल्कुल भी ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से इस्तेमाल करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल या फिर से कह सकते हो कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।